मुरादाबाद में मजहब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम पैदाइश के अवसर पर मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया गया, जिसका जुलूस शहर में जामा मस्जिद किले वाली दरगाह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से आगाज किया, जो लाल मस्जिद होते हुए जामिया नईमिया पहुंचा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हाथ में इस्लामी परचम लहराते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस ने रैपिड फोर्स के साथ ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अपनी मौजूदगी में पल पल का जायजा लेते रहे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस की वजह से धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक रही, लेकिन इस बार कोविड 19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया, जिसको लेकर वरिष्ठ डॉक्टर और समाज सेवी डॉक्टर इकराम अंसारी ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सभी को आपसी भाईचारा बनाते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को दुनिया में पेश करना चाहिए। वहीं मुरादाबाद के नायब शहर इमाम सैयद फहद अली ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से ईद मिलादुन्नबी का जश्न मुबारक नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार प्रशासन की अनुमति पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है, जिसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है बड़े ही समझदारी से जुलूस ए मोहम्मदी आयोजन करें। भाई आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन है, आज मुस्लिम मिल्लत दो आलम के सरदार जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। इस मौके पर मैं तमामी देशवासियों को दिली गहराइयों से मुबारक पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले दो साल से कोरोना काल में ये हमारा जुलूस और हमारे जलसे नहीं हुए थे। माशाल्लाह आज सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इजाज़त दी है जुलूस निकालने की, तो इस सिलसिले में आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और दूरी बनाए रखेंगे, आपस में मिलजुल के मोहब्बत करेंगे, जो हमारे नबी का पैगाम है दुनिया में फैलाएंगे, समझे, एक दूसरे की मदद करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, एक दूसरे की तकलीफ़ों में शामिल होंगे, हर हर मतलब हर आदमी जो है मोहब्बत के साथ रहे, यही मेरी अपील है।